Hello, welcome to Legal Awareness web series. Vijay Vishv Tiranga Pyara Chanda Uncha Rahe Hamara. Shaan na iski jaane paaye, chahe jaan bhale hi jaaye. Deshvasiyon ko Swatantrata Divas ki dili mubarakbad. Azadi ke 75 varsh poore ho rahe hain. Bharat ek mazboot rashtra ban chuka hai. विश्व हमारी तरफ इज्जत की नजरों से देखता है. हमने चर्चिल को गलत साबित किया. प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय घर घर तिरंगा ने पूरे देश में और राष्ट्र में एक बार फिर से राष्ट्रप्रेम की भावना को जगाया और 1947 वाले सेंटिमेंट्स दोबारा चारों तरफ नजर आ रहे हैं. पर यह लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है. कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी एक बार फिर देश का झंडा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे. मेरा हमेशा से विचार ये रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया तो शायद किसी और के बोलने की कोई उतनी गुंजाइश नहीं बचती. लेकिन लीगल अवेयरनेस में आज हम बात करेंगे कि ये झंडा कैसे तय हुआ, इस झंडे को गांधी जी ने सैल्यूट करने से क्यों इनकार किया, संविधान सभा में झंडे को लेकर क्या बहस हुई, गांधी जी और नेहरू में किस प्रकार का विरोध था और झंडा किस तरह नेहरू की इकोनॉमिक फिलॉसफी को दर्शाता है, झंडा सत्याग्रह क्या था, कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी ने उसमें क्यों हिस्सा नहीं लिया, संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में नागरिकों के क्या कर्तव्य बताता है, नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 क्या है, फ्लैग कोड क्या है, उसमें क्या संशोधन हुए, ये सारे वो मुद्दे हैं जिन पर आज मैं बात करना चाहता हूं. लेकिन सबसे पहले इतिहास में जाना आवश्यक है. लीगल हिस्ट्री भी लॉ का ही एक हिस्सा है. चौरी चौरा की घटना के बाद कांग्रेस में फ्रस्ट्रेशन था. गांधी जी को लगा कि देश अभी मैच्योर नहीं है, ना स्वराज के लिए ना सिविल डिसोबीडियंस के लिए, क्योंकि हिंसा हुई थी. कांग्रेस ने तय किया कि अब कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं चलाया जाएगा. बात 1922-23 की हो रही है. लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर के शहर ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सिलसिले में जो योगदान दिया उसकी इतनी चर्चा नहीं हो रही, उस पर बात नहीं होती. और लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी प्रोमिनेंस नहीं पाते. जबलपुर की लोकल कांग्रेस कमेटी के फैसले और उनका देश के राष्ट्रीय ध्वज के लिए योगदान मैं समझता हूं ऐतिहासिक है. कांग्रेस ने तो तय किया था कि अब कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं चलाएंगे, लेकिन लोकल कांग्रेस कमेटी ने जबलपुर की मूवमेंट भी चलाया, कामयाबी भी पाई. और वो झंडा जो 1931 में जाके कांग्रेस का ऑफिशियल झंडा बनेगा, अभी कांग्रेस का वो झंडा नहीं है, लेकिन उसको राष्ट्रध्वज मानकर जबलपुर के म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर लहरा दिया गया. बड़ी अजीब कहानी है. इतिहासकारों ने इसे लोकी अफेयर कहा, इसे रादर अटेम्ड अफेयर कहा. न्यूज़पेपर हिदवाड़ा में 30 मई 1923 को एक लेटर टू एडिटर छपा जब विरोध हुआ उसके बारे में, और किसी ने ये लिखा कि पॉइंट एट इशू एट नागपुर इज नॉट
whether a particular piece of cloth can be called the national flag, but whether India as a nation has a right to have her own distinct national flag, even though she may remain a partner in the empire of Great Britain. ये जो लेटर था फ्रॉम नोबडी, अ मेयर नोबडी, नाम नहीं था, एनोनिमस था, मैं समझता हूं कि ये झंडे की अहमियत को बता रहा है। 4 जुलाई 1922 को मीटिंग हुई, कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो के आ रहा था विजिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी की तरह, वो आने वाला था जबलपुर, और तय ये हुआ कि उनका वेलकम किया जाए और राष्ट्रीय ध्वज म्युनिसिपल बिल्डिंग पे फहरा दिया जाए। हकीम अजमल खान आए थे, कुछ बहस हुई झंडा फहराने पे, किसी ने कहा फहराएं, किसी ने कहा ना फहराएं, किसी ने कहा ये करें वो करें, ये लेकिन ये सारे अमेंडमेंट और संशोधन रद्द हुए। झंडा पहनने के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश सरकार की नाराजगी हुई, गवर्नर फ्रैंक सलाई ने कहा कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। फिर 1923 में जब राजगोपालाचारी का विजिट हो रहा था, फिर यह तय हुआ कि झंडा फहराया जाए, लेकिन अब के प्रशासन सतर्क था और यह ना हो सका। फिर 27 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया गया। फिर 13 अप्रैल 1923 को जलियानावाला बाग की एनिवर्सरी थी, नागपुर में प्रोसेशन निकला झंडे को लेकर। बिलासपुर की जो मीटिंग थी वो एनुअल प्रोविंशियल राजपूत कॉन्फ्रेंस थी, उसमें झंडा फहराया गया। और ये जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये सब हो रहा है तो कांग्रेस के सीनियर नेता इससे बहुत खुश नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने कहा, आई कन्फेस आई डोंट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थिंग। इसका मकसद क्या है, इससे हासिल क्या? उन्होंने लिखा, गांधी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, गांधी जी की जय हो, और गांधी जी की बात नहीं मान रहे क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं होगा। स्वराज पार्टी भी खामोश रही, कोई रेजोल्यूशन न पास हुआ झंडा आंदोलन के फेवर में। कांग्रेस का ऑफिशियल फैसला तो ये था कि अब कोई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जमनालाल बजाज को भेजा गया और ये झंडा आंदोलन 3 महीने तक चला। फिर दफा 144 लग गई और 17 अप्रैल 1923 को जो ये प्रोटेस्टर्स थे ये सिविल लाइन से गुजरे झंडा हाथ में लेकर, और इसको इन्होंने माना कि ये इनकी जीत हुई। गांधी जी का झंडे के डिजाइन को लेकर भी बड़ा एक यूनिक सजेशन था जिसपे आज हम हंस सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि झंडे के अंदर एक मिनिएचर यूनियन जैक का भी रख लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। अंग्रेज स्वेच्छा से भारत से जा रहे हैं, झंडे ने अंग्रेजों के हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अंग्रेजों ने पहुंचाया। अब ये थिंकिंग सिर्फ एक राष्ट्रपिता की हो सकती है। आज तो उनको राष्ट्र विरोधी माना जाएगा इस बात को कहने के लिए। झंडा आजादी से पहले जब फहराया जाता था तो वो एक्ट ऑफ डिफाइंस था, तब वो हिम्मत दिखाता था, स्वतंत्रता में विश्वास जताता था। पटना में 1942 में 7 बच्चे जिनमें से एक को छोड़कर 6 स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनको गोली मारकर मार डाला गया क्योंकि वो झंडे के लिए थे, झंडा फहराना चाहते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे तिरंगा फैलाने का एक प्रयत्न भी था। झंडे को लेकर कुछ बहस भी होगी।
उस बहस का भी अभी जिक्र होगा। बहस बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस बहस पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको सीधे मैं ले जाऊं संविधान सभा में, जहां झंडे पर बहस 22 जुलाई 1947 को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का रेजोल्यूशन था, सर्वसम्मति से पास हुआ। बहुत से वक्ता बोले झंडे में आए रंगों को और चक्र को लेकर तरह तरह के इंटरप्रिटेशन दिए गए। पहले इनकी बात कर लें, फिर गांधी और नेहरू में जो डिफरेंसेस झंडे को लेके थे उनके सिलसिले में बात हो। जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 में रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया कि हॉरिजेंटल ट्राइकलर होगा, डीप सैफरन केसरी होगा, व्हाइट होगा, डार्क ग्रीन होगा। कहा मुझे गर्व हो रहा है इस रेजोल्यूशन को पेश करते हुए। विड्थ टू लेंथ रेशियो 2:3 होगा, लेकिन कहा यह एब्सोल्यूट नहीं होगा। याद किया उस झंडा आंदोलन को जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और कहा कि यह झंडा देश के लोगों ने तय किया है कि राष्ट्रध्वज होगा। जबलपुर और नागपुर के लोगों ने जो झंडा आंदोलन किया था, ये उसको संविधान सभा जो है रेटिफिकेशन के साथ आज मान रही है। कहा नेहरू ने कि हमारी आजादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है, इसे देखकर हमारी रगों में एक जोश और एक वलवला उठता है, गर्व से इसको देखते हैं, रगों में खून का प्रवाह तेज हो जाता है। कितनों ने अपनी जाने दी, अपने दुख का इजहार किया, देश का विभाजन हो चुका है, हम सब दिल से दुखी हैं। फिर कहा बहुत कम ऐसे अफसर आते हैं कि जो ख्वाब आपने देखा आपके जीवन में ही साकार हो जाए। हमने स्वतंत्रता का ख्वाब देखा था, हो गया देश का बंटवारा, लेकिन हमारा ख्वाब भी साकार हुआ है। फिर बात इंपीरियलिज्म की दूसरे विश्व युद्ध की और कहा कि यह लड़ाई आजादी की है, यह लड़ाई जनतंत्र की है। जो जनतंत्र के लिए लड़े, जो आजादी के लिए लड़े, जो मानवता के लिए लड़े, उनका विश्वास है कि सबको आजादी मिले, हर मर्द को, औरत को और बच्चे को। कहा कि लोग इस झंडे के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, जो उनमें से ये समझते हैं कि इसमें कोई सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म है, वो गलत है। जो ये समझते हैं कि ये झंडा इस कम्युनिटी को और उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो गलत हैं। ये तो एक ब्यूटीफुल डिजाइन है, आर्टिस्ट्री है, और ये देश की स्पिरिट को दर्शाता है, हजारों साल की हमारी सभ्यता को दर्शाता है। फिर आए उस बदलाव पर जो कांग्रेस के झंडे से, वो झंडा जो जबलपुर में, जो नागपुर में, जो पटना में फहराया गया था, वो झंडा जो कांग्रेस ने 1931 में अपनाया था, उसमें और राष्ट्रीय ध्वज में क्या अंतर कर दिया है नेहरू जी ने, उस पर आए। आपको मालूम है कि 1931 के झंडे में बीच में चरखा था, ये चरखा गांधी जी का प्रतीक, देश के आम आदमी का प्रतीक, ये मासेस को दर्शाता था। नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हम इस चरखे को हटा नहीं रहे, थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, और कहा कि जब झंडे दोनों तरफ से एक सा दिखना चाहिए, जब एक तरफ से एक तरफ चरखे का व्हील होता है और दूसरी तरफ उसका दूसरा हिस्सा होता है, दूसरी तरफ से वो अलग तरह से दिखता, और झंडे में ऐसा नहीं होना चाहिए, झंडा दोनों तरफ से एक सा दिखना चाहिए। अब फिर उन्होंने कहा तो हमने इस चरखे के व्हील को ले लिया है, और ये व्हील सारनाथ से, अशोका का व्हील है, ये व्हील भारत की प्राचीन संस्कृति का
एक सिंबल है। और फिर जो नेहरू ने कहा वो शब्द मैं समझता हूं आज भी रेलिवेंट हैं। इट इज वेल दैट एट दिस मोमेंट फॉर स्ट्राइव कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटॉलरेंस, अपने ही जमाने को कह रहे हैं इंटॉलरेंस, आवर माइंड शुड गो बैक टूवर्ड्स व्हाट इंडिया स्टूड फॉर इन द एंशिएंट डेज एंड व्हाट इट हैज स्टूड फॉर। कहा ये हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस का प्रतीक, कहा कि भारत की संस्कृति इतने दिन सरवाइव करी क्योंकि उसमें रिजिडिटी नहीं थी, उसमें सख्ती नहीं थी, उसमें एडेप्टेबिलिटी थी, न्यू डेवलपमेंट्स को एडॉप्ट करती थी, न्यू इन्फ्लुएंसेस को एडॉप्ट करती थी। अशोका के पीरियड का जिक्र किया कि वो नैरो नेशनलिज्म का पीरियड नहीं था, इंटरनेशनलिज्म का पीरियड था। एम्बेसेडर्स गए, दूत भेजे गए, और वो किसी को इंपीरियलिज्म के लिए नहीं भेजे गए, कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं भेजे गए, शांति का पैगाम लेकर अशोक के राजदूत गए। भारत शांति का प्रतीक है। कहा कि ये झंडा फ्लैग ऑफ होप है, फ्लैग ऑफ विजन है, ये किसी साम्राज्य का झंडा नहीं, किसी साम्राज्यवाद का झंडा नहीं, किसी डोमिनेशन का झंडा नहीं। आइए अब नेहरू और गांधी की कुछ बात कर ले। नेहरू चरखे को हटा दिए हैं झंडे से। नेहरू और गांधी में देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या हों इसको लेके डिफरेंसेस जग जाहिर है। गांधी जी का विश्वास चरखे में था, विलेज इकोनॉमी में था, हिंद स्वराज में उन्होंने एक विलेज इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था। नेहरू उससे एग्री नहीं करते थे। नेहरू ने लिखा कि बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले मैंने हिंद स्वराज को पढ़ा था, कुछ उसकी वेग पिक्चर दिमाग में है, जब मैंने पढ़ा था तब भी मुझे वो अनरियल लगी थी। गांधी जी जवाब दे रहे हैं अक्टूबर 5, 1945 को, और कहा मैंने तब भी ये सोचकर लिखा था 1909 में, और आज भी मैं ये समझता हूं कि भारत का विकास होगा तो गांव से होगा, शहरों में करोड़ों करोड़ों लोग नहीं आ सकते। नेहरू का जवाब 9 अक्टूबर 1945 का आनंद भवन से, अ विलेज नॉर्मली स्पीकिंग इज बैकवर्ड इंटेलेक्चुअली एंड कल्चरली एंड नो प्रोग्रेस कैन बी मेड फ्रॉम अ बैकवर्ड एनवायरमेंट। नैरो माइंडेड पीपल आर मच मोर लाइकली टू बी अनट्रूथफुल एंड वायलेंट। फिर वही बात कि मैंने 20-30 साल पहले स्वराज पढ़ा था तब भी मुझे अनरियल लगा था, मुझे ताज्जुब है कि आज भी आप उस पर कायम हैं। देखिए नेहरू और गांधी के डिफरेंसेस, एक दूसरे का आदर भी है, सत्कार भी है, लेकिन डायलॉग है। आज ये डायलॉग की कल्चर कहां चली गई? आज प्रश्न पूछने की इजाजत क्यों नहीं होती? ध्वज से चरखा जाने का मतलब गांधी जी की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी उसकी तरफ भी इशारा है। अखबारों में भी छपा कि गांधी जी इज बीइंग बरीड अलाइव। ये जो चक्र है ये चरखे का चक्र नहीं है, ये सुदर्शन चक्र है। जो गांधी का कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। गांधी जी ने खुद कहा, आई मस्ट से दैट इफ द फ्लैग ऑफ इंडियन यूनियन विल नॉट कंटेन द एम्ब्लेम ऑफ द चरखा आई विल रिफ्यूज टू सैल्यूट दैट फ्लैग। मैंने आपको ये बताया था, देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय ध्वज को जिसमें चरखा नहीं होगा उसको मैं सैल्यूट नहीं करूंगा। लेकिन राष्ट्रपिता हैं, बाद में उनको एहसास हुआ कि ये सुदर्शन चक्र नहीं है, ये चरखे का ही चक्र है।
उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सुदर्शन चक्र सिंबल ऑफ वायलेंस नहीं है, जैसा कि कुछ लोग गलत उसको समझ बैठे। ये लेटर जो मैंने अभी आपको पढ़ा, जिसमें गांधी जी रिफ्यूज कर रहे हैं चरखे को सैल्यूट करने के, ये 31 अगस्त 1947 को राधा कुमुद मुखर्जी को लिखा गांधी जी ने। और ये भी कहा कि चरखे को नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो गम में तो ईश्वर को याद करता है और खुशी में उसे छोड़ देता, जैसे कबीर ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे। फिर गांधी जी को यह भी कंसर्न था, जब उन्होंने मान लिया कि चलिए ये ध्वज सही है, कि वो चरखा संघ के अध्यक्ष थे, 1 लाख पुराने वाले ध्वज चरखे के साथ मौजूद थे, 2 रुपए उनका प्राइस था। गांधी जी ने लिखा कि नए राष्ट्र ध्वज के आने से पुराना झंडा बेकार नहीं हो गया, उसका भी वही सम्मान होगा जब तक वो झंडे मौजूद हैं। किसी भी चीज को खराब ना समझा जाए, ये राष्ट्रपिता की एक ब्रॉड माइंडेडनेस थी। फिर इस झंडे के प्रपोजल को जो नेहरू ने पेश किया, उस पर 3 संशोधन आए, विड्रॉ हो गए बाद। H.V. कामत का प्रपोजल था कि चक्र के अंदर स्वास्तिक आ जाए, और स्वास्तिक जो है वो एंशिएंट सिंबल है सत्यम शिवम सुंदरम की। विवेकानंद को H.V. कामत ने कोट किया और कहा कि देखिए ये हमारा देश ऐसा है कि हमने कभी अपने पड़ोसी के खून में हाथ नहीं रंगे, हमारी फौजें कभी किसी देश पर हमला करने आगे नहीं बढ़ी, हम हार्बिंगर ऑफ पीस हैं। उन्होंने कहा कि अब जिस तरह का झंडा सामने आया है उसमें स्वास्तिक चक्र में डालना जो है बड़ा कंबरसम होगा, इसलिए मैं अपना संशोधन विड्रॉ करता। P.S. देशमुख ने आइडिया ऑफ चरखा को रिटेन करने की बात करी, कहा कि आम आदमी को दर्शाता है, लेकिन फिर अपना संशोधन वापस ले लिया। सेठ गोविंद दास का होम टाउन था जबलपुर, उन्होंने मेंशन किया वो जबलपुर का आंदोलन, झंडे का आंदोलन याद किया उन्होंने कि 1922 को पंडित मोतीलाल नेहरू आए थे जबलपुर, और ये झंडा पहली बार जो था डिस्प्ले किया गया था टाउन हॉल ऑफ जबलपुर पे, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री ने कहा था ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी ऑफिशियल बिल्डिंग पे कांग्रेस का झंडा लहराया जाए, लेकिन आज देखिए कि वो झंडा राष्ट्र ध्वज बन चुका है। सेठ गोविंद दास ने कहा कि इस झंडे में कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कहा कि एक जमाना था जब झंडे में लाल रंग था, सफेद था और ग्रीन था, और उसमें कुछ कम्युनलिज्म था। आपको मालूम है कि वेदास में जिस झंडे का जिक्र है वो लाल रंग का है, महाभारत में जो झंडा के कलर का कोई बात नहीं आई, लेकिन अर्जुन के झंडे में जो उनका रथ था उस पे जो झंडा था उस पे हनुमान जी थे, और कर्ण के झंडे पर जो उनके रथ पर झंडा था उस पे हाथी था। कहा ये जो सैफरन कलर है, केसरी कलर, इसमें कोई कम्युनलिज्म नहीं, जो ग्रीन है इसमें कोई कम्युनलिज्म नहीं। अशोक को याद किया, कलिंगा की जंग को याद किया, और कहा वो तो शांति का दूत है। कहा सेठ गोविंद दास ने कि मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि सैफरन कलर जो है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है कि शिवाजी के जमाने में और पेशवास के जमाने में और राजपूत सैफरन ड्रेस और सैफरन डिजाइंस पहनते थे, पर ये तो अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात है, महाभारत में तो कोई क्वेश्चन ऑफ कलर नहीं था। अर्जुन के रथ और कर्ण के रथ की बात की, का एंशियंट
इंडिया में तो सैफरन कलर नहीं था, तिरंगा तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक है। याद दिलाया कि हरा रंग कोई मुसलमानों को नहीं दर्शाता, बल्कि 1857 की पहली जंग आजादी का जो झंडा था वो हरा था। हम विश्व को शांति से जीतना चाहते हैं। फिर कई और स्पीकर्स बोले, वीआई मुन्नी स्वामी पिल्लई बोले, और उन्होंने बुद्धा का जिक्र किया और अशोका का जिक्र किया। चौधरी खलीकुज़्ज़मा बोले, झंडे का जिक्र किया और कहा कि ये कोई एक कपड़ा का टुकड़ा नहीं, बल्कि सिंबल ऑफ नेशंस आइडियाज एंड एस्पिरेशंस है। गर्व होता है हर हिंदू को और हर मुसलमान को इस झंडे को फहराने। फिर एस राधा कृष्ण फिलोसफर थे, बाद में देश के राष्ट्रपति बने, फ्रीडम स्ट्रगल का जिक्र किया, यूनिटी और लिबर्टी का जिक्र किया, बताया कि ये झंडा यूनिटी और लिबर्टी का प्रतीक है। कहा सफेद रंग तो रोशनी का प्रतीक है, अंधेरों को मिटाना है। अशोक का तो व्हील जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉ को, इट इज अ व्हील ऑफ धर्मा, और धर्म जो है वो परपिचुअली मूविंग है, धर्म जो है वो वर्चू है, ट्रुथ है। ये धर्म रिलीजन नहीं है, ये राइटियसनेस है। व्हील के बारे में कहा कि हमेशा ऑन मूव, रुक जाने का मतलब मौत है और चलते रहने का मतलब जिंदगी। रेड ऑरेंज और भगवा को बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। सर्वे त्यागराज धर्मेशु दृष्टा, हर तरह का रिनंसिएशन राज धर्म में शामिल होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, कितने हमारे नेताओं में स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन है, ये वो पैमाना होगा जिस पर राजनेताओं को टेस्ट किया जाए। हरे रंग के लिए कहा कि इसका तो रिश्ता देश की धरती से है, ये तो प्लांट लाइफ की बात है, ग्रीन अर्थ की बात है। वाइट तो सच को दर्शाता है, व्हील तो प्रैक्टिस ऑफ वर्चू को दर्शाता है। कहा कि झंडा हमें बताता है बी अलर्ट, बी ऑन मूव, गो फॉरवर्ड। सब धर्म यही बताते हैं। डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता ने कहा कि व्हील भारत के गणराज्य के राज्यों को बताता है, स्टेट्स को बताता है। अभी मालूम है आपको कि बहुत सी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स। मोहम्मद शरीफ मैसूर के थे, इन्होंने भी झंडे के जो कलर्स थे उनको कहा कि ये सारे देश को दर्शाता है। व्हील जो है वो मोशन और प्रोग्रेस और एडवांसमेंट दर्शाता है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने कहा कि झंडे को सैल्यूट करता हूं, ये सिंबल ऑफ एवोल्यूशन है हमारी एस्पिरेशंस का, फुलफिलमेंट है हमारी स्ट्रगल का, और अल्टीमेट रिजल्ट है हमारी कुर्बानियों का। कहा कि सैफरन कलर जो है वो धरती पे जो गर्मी है, भारत में काफी गर्मी पड़ती है, उसको दर्शाता है। व्हाइट जो है वो हमारे जो पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं उनकी तरफ इशारा है, और ग्रीन जो है वो बुद्धा का और मुसलमानों का कलर है, लेकिन वो क्रॉप्स का कलर है, वो फसलें जो हमें सस्टेन करती हैं। कहा कि सैफरन कलर तो स्पिरिचुअल कलर है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, साधु भी पहनते हैं, पीर और फकीर भी पहनते हैं। व्हाइट को कहा कि कांग्रेस की तो टोपी ही व्हाइट है। ग्रीन को कहा कि पहली जंग आजादी का झंडा हरा था। एच सी मुखर्जी ने ईसाइयों की तरफ से अपना पक्ष रखा और झंडे का समर्थन किया।
एजे खांडेकर ने कहा कि दरअसल सैफरन तो हमारी जो डिप्रेस कम्युनिटी है उसका वो रिप्रेजेंट करता है। सरोजिनी नायडू बोली कि कब कब झंडा ना होने का उनको दुख हुआ जब जब उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया और इस तरह सर्वसम्मति से देश का झंडा संविधान सभा ने तय कर दिया। 1976 में 42वां संशोधन हुआ संविधान में, नागरिकों के कर्तव्य उसमें इंक्लूड किए गए आर्टिकल 51A, और उसमें कहा गया कि हर भारत के नागरिक की ड्यूटी होगी कि देश के संविधान को माने, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। फिर नेशनल ऑनर्स एक्ट बना 1971 में, तीन ही सेक्शन थे इसमें। अमेरिका में आपको मालूम है कि झंडे को जलाने पर जॉनसन के केस में कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा, हम भारत में ये बात नहीं मानते। सेक्शन 2 ने कहा कि जो भी पब्लिक प्लेस में या ऐसे किसी प्लेस में जहां पब्लिक देख सकती हो झंडे को जलाए या म्यूटिलेट करे या डिफाइल करे या डिसफिगर करे या डिस्ट्रॉय करे या ट्रेम्पल अपॉन करे या कोई डिसरेस्पेक्ट शो करे, उसे 3 साल की सजा और फाइन या दोनों दिया जाए। लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 में कहा कि कमेंट्स ऑन फ्लैग और फ्लैग में कोई चेंज लॉफुल तरीके से संशोधन करा के करना जाए वो नहीं माना जाएगा कि फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट। फिर कहा कि इंडियन नेशनल फ्लैग इंक्लूड्स एनी पिक्चर, पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। फिर एक्सप्लेनेशन 4 में डिसरेस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया, क्या है इनडिग्निटी ऑफ फ्लैग, हाफ मास्ट झंडे को फहराना एक्सेप्ट जब कोई अनाउंसमेंट सरकार करे कि हम एक राष्ट्रीय शोक मना रहे हैं, यूनिफॉर्म और कॉस्ट्यूम की तरह झंडे को बिलो द वेस्ट पहनना, एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटिंग कुशन पे या हैंकर चीफ पे या नेपकिन पे करना या अंडरगारमेंट पे करना या एनी ड्रेस मटीरियल। फिर फ्लैग कोड बनी, उसमें कहा कि झंडा जब फहराया जाए तो सबसे ऊंचा झंडा ही रहेगा। जुलाई 20, 2022 को इसमें अमेंडमेंट करके कहा गया कि झंडा अब रात में भी फहराया जा सकता है, वरना झंडा सनराइज से लेके सनसेट तक ही फहराया जा सकता है। 30 दिसंबर 2021 को अमेंडमेंट करके प्लास्टिक के झंडे के इस्तेमाल को भी इजाजत दे दी गई। 3 केसेस हुए झंडे को लेके। नवीन कुमार जिंदल का केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि देश के नागरिकों को यह हक है कि वो झंडा फहरा सकते हैं अपने घरों पर या जहां चाहे। एक और केस हुआ सेंथिल कुमार का, केक के ऊपर झंडा बना हुआ था और उनके ऊपर केस किया गया, उसमें सजा नहीं दी गई। एक डॉक्टर वर्षा का केस था कि झंडा फहरा दिया लेकिन सूरज डूबने के बाद उसको उतारा नहीं गया, उस केस में भी सजा नहीं। आज की सारी बात का जो निचोड़ है वो ये कि झंडा हमारे देश का प्रतीक है, हमारे आइडियल्स, हमारी कल्चर, हमारे इतिहास को दर्शाता है। लेकिन देश की आजादी के बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिनसे सर शर्म से झुक जाता। 1998 मिश्री देवी सरपंच थी ठिकरी गांव की राजस्थान में, झंडा फहराने पर उनको स्ट्रिप किया गया। गोंडाबाई सरपंच थी टीकमगढ़ की, श्री उल्कास थी मिश्री देवी की तरह, स्कूल के ऊपर झंडा फहराना चाहती थी लेकिन अपर कास्ट के लोगों ने उनको फहराने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि देश जब आजादी का पर्व मना रहा है, देश के हर नागरिक को अपने घर पर झंडा फहराना चाहिए और गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने
स्वतंत्रता दिवस को इस बार मनाने का प्रण लिया है, उसे देखकर एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से मेरा दिल वास्तव में बहुत खुश हुआ है। और मुझे लगता है कि आज आपको इस झंडे के इतिहास और इससे रिलेटेड संविधान सभा की बहस और नेहरू और गांधी के डिफरेंसेस और कानून के बारे में जो जानकारी मिली होगी वो आपको पसंद आएगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक अवश्य क्लिक करें। जय हिंद।